वेलकम टू राहुल टॉक गाइस। आप अलोक इंडस्ट्री का गूगल में चार्ट देख सकते हैं। आज भी यहां पर अलोक इंडस्ट्री करीब 2.2% के आसपास अपसाइड में क्लोज हुआ है और यही पाँच दिन से इस तरह का लगातार हो रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं गूगल में आज अलोक इंडस्ट्री जिसमें कि अप ट्रेंड की ओर मूव दिख रहा है यहाँ पर, और इसमें अगर रेजिस्टेंस का बात करें तो इस जगह पर रेजिस्टेंस लिया है। तो गाइस अलोक इंडस्ट्री के बारे में आज पूरा डिटेल्स में बात करेंगे वीडियो में, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो का एंड तक देखें। गाइस आप एनएससी के साइड में देख सकते हैं अलोक इंडस्ट्री में किस तरह से आज ट्रेडिंग चला है, और अलोक इंडस्ट्री में शुरू ओपन हुआ था 23.5 के आसपास में और हाई लगा था 23.70 के, इतना हाई लगा था, फिर लो भी गया था 22 इतना के आसपास, और इसमें जो ट्रेडिंग चला है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग चला आज, और आज ही नहीं ये करीब पिछले पांच दिन से इसी तरह का ट्रेडिंग चल रहा है। तो गाइस ये जब ऊपर जाएगा तो आपको खरीदने तक का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि कभी भी अपसाइड दे सकती है, और यहां पर काफी ज्यादा शेयर का ट्रेडिंग चल रहा है। तीन महीने के पहले अगर देखे होंगे तो अलोक इंडस्ट्री का इस साइड और यह साइड दोनों में करीब 2-2 करोड़ के आसपास में ट्रेडिंग चलता था, पर अभी ऐसा नहीं होता। अभी आप देख सकते हैं यहां पर 40 लाख और 30 लाख इसी के आसपास इसमें ट्रेडिंग चलता है बायर और सेलर का। इसका मतलब साफ यह दर्शाता है कि अलोक इंडस्ट्री में जरूर कोई ना कोई बड़ा इन्वेस्टर जैसे कि FIIS, DIIS ये सब अपने हिस्सेदारी लिए हैं, तभी इसमें इतना कंट्रोल हुआ है शेयर का। जैसे कि आपको पता होगा, आप आइडिया में जाकर देख ले या फिर आप यस बैंक में देख ले, करीब 5 करोड़ और 4 करोड़ के आसपास में इतना ज़्यादा शेयर का ओवरफ्लो चल रहा है, उतना ज़्यादा शेयर में ट्रेडिंग होता है, और वो जब तक कंट्रोल नहीं होगा तब तक वो ऊपर की ओर नहीं बढ़ सकता है। उसी तरह यहाँ पर अलोक इंडस्ट्री में ही है। अगर अलोक इंडस्ट्री में दूसरा चीज़ ये है कि इसमें 75% जो है शेयर वो सितंबर में जो आप अपडेट देखे होंगे वो प्रमोटर के पास ही है, वो तो आपको पता है, और इसका सर्किट लेवल अभी 10% का आसपास है। गाइस दूसरा तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस अलोक इंडस्ट्री में सबसे पहला अच्छा बात यह है कि 75% जो प्रमोटर अपने होल्डिंग में रखे हैं वही है, क्योंकि इसमें पूरा शेयर कंट्रोल में है, इसमें ओवरफ्लो नहीं होने देता है। और जैसे कि आप आइडिया देख लीजिए या फिर आप यस बैंक देख लीजिए, उसमें क्या है कि शेयर कोई प्रमोटर का आता पता नहीं है, शेयर का कंट्रोल में किसी का नहीं है, वो ओवरफ्लो हमेशा होते रहता है, अगर भी होगा तो सब पब्लिक के पास ही है, जो कि इसमें यह चीज़ पॉजिटिव न्यूज़ है आप अलोक इंडस्ट्री में देख सकते हो। और अलोक इंडस्ट्री में कब जो इसमें अप मूवमेंट देगा अचानक से वो किसी को नहीं पता, कभी भी इसमें अप मूवमेंट दे सकता है। पर हमको जैसे कि हम पहले से ही शुरू से ही अलोक इंडस्ट्री का वीडियो बनाते ही आ रहे हैं, और अलोक इंडस्ट्री में आपको हम हमेशा कहें इसको जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट है करीब 20 के आसपास, और रेजिस्टेंस जो सबसे मजबूत और कड़कदार जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं वो करीब 25 के आसपास है। ये 25 जब तक इसमें ब्रेक नहीं होगा तब तक ये 30 का और नहीं जाएगा। और जैसे कि बहुत सारे ऐसे भी ब्रोकर है वो करीब 33 के आसपास टारगेट दे के रखा है, जैसे कि आप ICICI सिक्योरिटी ले सकते हैं ये सब। तो क्या जिसमें कोई बात का बात नहीं है, इसमें जब जाने का है वो जाने का तो चल ही जाएगा, पर ये बात ये है इसमें अलोक इंडस्ट्री में कि इसमें आप ध्यान देंगे कि अलोक इंडस्ट्री का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बहुत सारा ऐसा अंतर है कि जो छोटा छोटा सपोर्ट और भी बनते ही जा रहा है, और इसमें कभी भी एक अप मूवमेंट दे सकता है, और जो कुछ भी है वो आपको भी पता है कि जब तक इसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेगा तब तक इसमें कुछ नहीं हो सकता है। अब ये देखना है कि अलोक इंडस्ट्री का रिजल्ट कब आता है, और रिजल्ट अगर इसका पॉजिटिव आया, जैसे कि इसका जो प्रीवियस में रिजल्ट आया था सितंबर में, उस 4,500 करोड़ के आसपास प्रॉफिट दिखाया था सितंबर मंथ में, जो कि काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ा प्रॉफिट था, और अगर इस बार इस क्वार्टर में अगर रिजल्ट और भी अच्छा आता है इससे भी या फिर इसका लगभग आता है, तो गाइज हम भी इसमें मानते हैं कि ये जो भी रेजिस्टेंस है जितना भी मजबूत हो जितना भी कड़कदार हो वो रेजिस्टेंस टूट के ऊपर की ओर जाएगा और अपर सर्किट लगा ही रहेगा। हो सकता है ये नेक्स्ट अडानी ग्रीन बन जाए, कुछ भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है, इसका कुछ माँ बाप नहीं है, इस कंपनी के अंदर क्या चल रहा है वो मुकेश अंबानी को भी पता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक वही खरीदा, इसका हिस्सेदारी वही है सब कुछ, ना तो हमको पता है ना तो आपको ज़्यादा पता है, हम लोग को सिर्फ इतना पता है कि इसका किस तरह से ट्रेडिंग चलता है इसका अंदर, और इसका जो मतलब दिया हुआ नेक्स्ट मतलब सितंबर का क्वार्टर में जो कुछ भी इसमें रिजल्ट बताया है, जैसे कि आपको रिजल्ट भी इसका दिखा दे रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो आप देख सकते हैं इसमें फाइनेंशियल रिजल्ट इसमें दिया हुआ है, रिजल्ट दिया हुआ जो रिजल्ट आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, और इसका जो मतलब प्रीवियस में था आप जो जून में आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें लॉस है, और उसका कंपेयर में रिकवर कर गया जो कि पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, फिर भी पता नहीं ये शेयर क्यों नहीं ऊपर नहीं जा रहा है, हो सकता है कि इस क्वार्टर के लिए इंतजार कर रहा होगा या फिर प्रोमोटर का भी इसमें खेला हो सकता है, क्योंकि 75% स्टॉक जो प्रोमोटर के पास है, इसमें भी प्रोमोटर साहब दो बैठे हुए हैं, और हमको आप सबको पता हमको भी पता, जैसे NTPC का हम एक वीडियो बनाए थे उसमें भी प्रोमोटर का राज चलता है, उसमें कितना भी अच्छा न्यूज़ आ जाएगा ना वो 103 का ऊपर जाता ही नहीं है, फिर से न्यूज पर आ जाएगा। आज अब देख सकते हैं कि आज का मार्केट में फिर से माइनस में था, क्योंकि तो माइनस में होने का कोई चांस ही नहीं है, फिर भी माइनस में हो जाता है, इसी तरह इसमें भी प्रोमोटर का ही राज चलता है, और प्रोमोटर हो सकता है कि इसमें अभी वेटिंग करा रहा है, जो कुछ भी जिसका पेशेंस नहीं वो बेच के निकल रहा है, दूसरा शेयर खरीद रहा हो सकता है, इसमें बाद में इसमें मूवमेंट दिखेगा कुछ, लेकिन कुछ भी हो सकता है, अगर आप पेशेंस अब रखते हैं अपने पर तो आप
100% इस शेयर से काफ़ी ज़्यादा फिर से पैसा निकालेंगे। जिस तरह से ये 3 रुपया से अचानक से एक 61 का मूवमेंट दिया था करीब 20 टाइम, तो उस तरह हो सकता है ये नेक्स्ट अडानी ग्रेन बने। हम आपसे मजाक नहीं कर रहे हैं, आप जाके आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं गूगल में, क्योंकि हम जो कुछ भी आपको बताते हैं सब सर्च करके ही बताते हैं, अपने मन से कुछ भी नहीं बोलते हैं। गाइस आलोक इंडस्ट्री का अगर टेक्निकल चार्ट एनालाइज में आप देखें तो ये 1 वीक का चार्ट है, और 1 वीक में आप देख सकते हैं इसमें कितना ज़्यादा लार्ज अमाउंट में कोई बहुत ज़्यादा इसमें बाई किया है, जो कि बड़ा बड़ा जो यहाँ पर वॉल्यूम दिख रहा है ये सब बड़ा क्वांटिटी में बाई किया है, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशनल हो या फिर कोई अपना इन्वेस्टर जो भी हो, बड़ा इन्वेस्टर। तो यहाँ पर जो भी है बुलिश कैंडलस्टिक शो हो रहा है, अगर आप 1 वीक का चार्ट शो करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आज जो है बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म किया है। तो ऐसे भी हो सकता है कि रिजल्ट आते आते ये 30 को पार कर जाए, तो मेरा उम्मीद है कि ये 40 के आसपास जाना चाहिए इसका, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस है सबसे बड़ा और कड़कदार वो 40 के आसपास है। उसके बाद ये 61 का अगर क्रॉस कर गया तो 100% इसका आप जितना टारगेट आप सोचे हैं वहाँ तक पहुँच सकता है। क्योंकि गाइस आपको पता होगा कि रिलायंस अब अपना जो बिजनेस है वो रिटेल बिजनेस पर चला रहा है, और रिटेल बिजनेस और आलोक इंडस्ट्री में क्या है कि इसमें कपड़ा वगैरह सब कुछ बनता है, चाहे आप कोट से लेकर कपड़ा जो कुछ भी आप है सब कुछ इसमें बनता है। तो हो सकता है कि यहीं से अगर वो मॉल में हो चाहे अपना रिलायंस का जो भी शॉप उसमें सेल करें, क्योंकि आपको पता है कि स्टॉक मार्केट जो है वो क्या है कि न्यूज से ही चलता है, या बाहर में जो कुछ भी हलचल मचेगा उसी के अनुसार अंदर में भी चलेगा। तो ऐसे भी हो सकता है, तो वो दिन ऐसा आए आपके साथ आपके पास जब आलोक इंडस्ट्री हो सकता है कि 150 के आसपास में ट्रेडिंग चले, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। इसलिए अगर आप पर कैसे आपको हम एक चीज़ बताएंगे कि अगर आपके पास 1 लाख रुपीज है, अगर आप 1 लाख रुपीज रखते हैं तो आप इस फंड में से उतना ही इसमें इन्वेस्ट करें जो आप बियर कर सकते हो। ये नहीं कि आप 50,000 इन्वेस्ट कर दें सिर्फ आलोक इंडस्ट्री में और आप छोड़ दें, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये सब पेनी स्टॉक है। पर मेरा मानना यह है कि ये 40 क्रॉस होना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रोमोटर भी बड़ा है, इसका जो इन्वेस्टर है जो बड़ा बड़ा इन्वेस्टर बिग इन्वेस्टर जैसे कि म्यूचुअल फंड हो या फिर FIIS हो DIIS हो, ये सब क्या है कि बढ़ा है इसमें। तो ऐसे भी हो सकता है कि 40 के आसपास जाए, और अभी करीब 2 महीना से इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, 20 और 25 के आसपास ही रोटेशन ले रहा है, वहीं पर घूम रहा है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अगर आपका मन में कुछ ऐसा भी स्टॉक है जो आप जिसके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।